अंबेडकरवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं। जो इंसान इस देश में मानवता को खराब कर रहा है, जो इस देश में भाईचारे को खराब कर रहा है, जो अंधविश्वास फैला रहा है, वो आस्था नहीं है, वो पागलपन है। और ऐसे पागलपन के जो मुखिया है उसको जेल में पहुंचाना चाहिए। गुरु जत्थना में जूते भी देंगे लोगों को। ऐसे गुरुओं को नहीं चाहिए हमको जो अपने स्टूडेंट का अंगूठा काटता हो। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग ये भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को ताकत देता है। कितने नालायक लोग हैं ये लोग कि अपने पूर्वजों की गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। उस पर धीरेंद्र पर पर्ची नहीं निकाली गई, अपने भाई की पर्ची निकाल लेते। और मेरा ये भविष्यवाणी है, मैं भी भविष्यवाणी करने लगा हूँ आज सर उसको देख के 23 साल के आदमी को, कि वो जेल जाएगा जैसे आसाराम गया, जैसे राम रहीम गए, वो भी जेल जाएगा। देखना उसका भाई तो जेल जाने वाला है। तो इसका मतलब देखो, बाबाओं के हम ढोंगियों के पीछे पड़े हैं, आपको समझना पड़ेगा। पर वो हम, तो चमत्कारी हैं। बाबा तो एक ही हुए देश के अंदर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। ये ढोंगी जितने लोग हैं जो अपने आप को ढावा बोलने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की जगह जेल में है, क्योंकि संविधान इनको आजादी नहीं देता है। संविधान हर व्यक्ति को आजादी देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास फैलाएगा तो उसके खिलाफ आप खड़े होंगे और उसको कानून की नजर में पर्चा बनवाना पड़ेगा। देखो पर्चा तो मैं बनवा चुका हूँ, मैं तो रात दिन ऐसे लोगों के पर्चे कटवाता हूँ और रात दिन जेल में भेजने का काम करते हैं। अभी वो बचकर आ गए महाराष्ट्र से, फिर दोबारा फंसेंगे तो फिर उनको अंदर डाला जाएगा, वो जेल जाएंगे। हमारी भविष्यवाणी है। अंबेडकरवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम जब धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे क्यों पड़ गए हम लोग? देखो धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे नहीं पड़े हैं, हम उस इंसान के पीछे पड़ते हैं जो इंसान इस देश में मानवता को खराब कर रहा है, जो इस देश में भाईचारे को खराब कर रहा है, जो अंधविश्वास फैला रहा है। अरे घर वापसी करवा, जो आदमी ये कह रहा है कि दो लोटा मतलब गंगा जल या दूध चढ़ाकर आपका बच्चा पास हो जाएगा, क्या वो अंधविश्वास नहीं फैला रहा है? वो कह रहा है कि भैया आपकी बीमारी दूर हो जाएगी मेरे बबूत खाने से, तो फिर हॉस्पिटल बंद करा दिए जाए और वहाँ एक महिला मर जाती है, तो वो आस्था नहीं है, वो पागलपन है। और ऐसे पागलपन के जो मुखिया है उसको जेल में पहुंचाना चाहिए। जब तक ऐसे मुखिया को जेल में नहीं पहुंचाया जाएगा ये पागल करते चले जाएंगे। कई लोग गायब हो रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है वहाँ पे। बिल्कुल गायब हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आप, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र निकलने वाला है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके पीछे सरकारें हैं, क्योंकि सरकार को फायदा देते हैं। आपने देखा होगा एक और बाबा को, आपने राम रहीम को देखा होगा, आपने आसाराम को देखा होगा। आसाराम की जितनी भी सभाएं होती थी बीजेपी के सारे नेता जाते थे वहाँ, बड़े से बड़े, चाहे आडवाणी हो चाहे मोदी जी हो, सब लोग जाते थे। तो उन कहाँ गए, अब जेल में गए। और आज की डेट में भी धीरेन्द्र शास्त्री के वहाँ सारे बीजेपी के नेता जाते हैं। इट मीन्स कि धीरेन्द्र शास्त्री को प्रायोजित किया जा रहा है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोच बनाई जा रही है। जबकि ये देश भारत है, इंडिया है, इसको कोई भी हिंदुस्तान नहीं बना सकता। फिर और लोग कहाँ जाएंगे बताइए ना, और लोग कहाँ जाएंगे? रहने वाला हर आदमी हिंदू है। धीरेन्द्र के भाई भी बाबा बनने वाले हैं सर, लाइमलाइट हो गए हैं जिसने। देखिए मैं हिंदू नहीं हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे, क्या करोगे बताओ? आप हिंदू है, झूठ क्या करोगे बताओ? मैं इस देश को संविधान को मानता हूँ, मैं मानव हूँ, मैं इंसान हूँ, बताओ नहीं हूँ मैं, क्या करोगे आप? अरे आपके यहाँ जातियाँ हैं, यहाँ पे 6,743 जातियों में बांट दिया आपने। कोई यहाँ ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई पठान है, कोई कुछ है, तो बताइए ना। जाति जाके असम में, तो जाति को तो वो कहते हैं, वो तो भगवानों में जाति निकाल देते हैं। हनुमान की जाति किसने निकाली थी? किसने निकाली हनुमान की जाति? हनुमान की जाति तो इन लोगों ने निकाली ना, ये भगवानों में जाति निकालते हैं। हिंदू नहीं है, शूद्र है, उनको बेकार है, पिछड़ों को हम लोग। देखिए अब जिनको पता लग गया है, शूद्रों को पता लग गया कि शूद्र कौन है, सबको पता लग गया कि कौन बना रहा है। अब इनके सबसे बड़े जो ब्राह्मण है, जो आरएसएस का सबसे बड़ा ब्राह्मण है, जो सब लोगों को मानता है, उसने भी, उसको भी कहना पड़ा कि जो जातिवाद जो बनाया है, जातिवाद ये ब्राह्मणों ने बनाया है, पंडितों ने। पंडित और ब्राह्मण एक ही है ना, अलग अलग है। आप देखिए सर को, कान को इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, बात एक ही है। ब्राह्मण ही इस देश में पंडित है और पंडित ही इस देश में ब्राह्मण है। और जो जातिवाद और भगवान का निर्माण किया है वो ब्राह्मण ने किया है, ये हम अंबेडकरवादी अच्छी तरह जानते हैं। इनके लोगों को आज ही पता लगा है, हम तो लोगों को समझाते आ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समझा दिया था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और काम करने कहां से पैसा मिलता है आप लोगों को? अब सनातनी कौन है, वो ठेका लें अपना कौन है? देखिए मैं भारत की बात करता हूँ, मैं संविधान की बात करता हूँ। आप संविधान की बात करेंगे तो अच्छी बात होगी, आप धर्म की बात करेंगे तो धर्म के नाम पर बहुत सारे लोगों को ज्यादा दिन तक गुलाम बनाया जा सकता है।
तो हम ज्यादा दिन तक लोगों को गुलाम नहीं बनने देंगे। हम उनकी आजादी की बात करेंगे। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़िए। आप फंडामेंटल राइट्स को तो पढ़ना ही चाहते। आप आर्टिकल 19 को पढ़िए, आप आर्टिकल 14 को पढ़िए, आप आर्टिकल 15 को पढ़िए। आप पढ़े ना, आप पढ़ने की तो बात करते नहीं है। हिंदू राष्ट्र में सबको न्याय मिलेगा, पेड़ पौधों को भी न्याय मिलेगा। पहले भी तो मिलता था, अंगूठा काट लिया जाता था, न्याय बहुत मिला। अंगूठा काटा गया था ना, अंगूठा लेके आओ पहले एकलव्य का। हाँ, और अभी कौन है? अभी बहुत सारे लोगों को सुसाइड करना पड़ रहा है। अभी स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, वो क्या है? वो एकलव्य ही है आज की डेट में। सर, वो तो द्रोणाचार्य हैं बहुत सारे। दक्षिणा दिया था सर। देखिए, वो तो गुरुदक्षिणा बोलते हैं। गुरुदक्षिणा में अंगूठा लेने वाले लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अब लोग जूते पहनने लगे हैं। गुरुदक्षिणा में जूते भी देंगे लोगों को। ऐसे गुरुओं को नहीं चाहिए हमें जो अपने स्टूडेंट का अंगूठा काटता हो। ये जातिवादी व्यवस्था के लोग, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग, ये भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को ताकत देता है, हर व्यक्ति को मजबूत बनाता है, हर व्यक्ति को सशक्त बनाता है, हर महिला को सशक्त बनाता है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति बनने का मौका देता है, अधिकार देता है। इनके ग्रंथ नहीं देते। इनके ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है आपने पढ़ा? उस पर तो बवाल हो रहा पूरे देश के अंदर, मगर फिर भी कितने नालायक लोग हैं ये लोग कि अपने पूर्वजों की गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वैसे भाई मानते हैं, वोटिंग के लिए भाई मांगेंगे, हिंदू बना लेंगे, मुसलमानों से लड़ना हो तो हिंदू बनाएंगे, अधिकार की बात हो तो हम शूद्र हैं, हमारे कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र हमको नहीं चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए मना करके गए हैं। जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, वो संविधान राज की बात करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं।